हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कल के वीडियो क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखे थे कि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन संभव होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए आज हम उससे जुड़ी ही एक दो प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि ए है 3-1, 3-1, 0, 2 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जो इस तरह का है 2-3, 1, 0, 3, 1। ठीक, हमको निकालना है ए बी, ए इंटू बी। ठीक, तो आइए इसको करने से पहले हमने कल क्या बताए थे कि इसमें देखना है कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो इसमें कॉलम कितना है, 1, 2, 3 है, कॉलम की संख्या 3। ठीक, और इसका रो 1, 2, 3, यानी इस वाले का कॉलम की संख्या इस वाले के रो के संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर हो गया 2×3 और यहाँ पे 3×2। ठीक है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है और इस वाले में 3 रो 2 कॉलम। ठीक, तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो कितने ऑर्डर का बनेगा। तो कल हम बताए थे कि पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है ना, यानी पहले वाले का रो कितना है, 2 है और दूसरे वाले का कॉलम 2। तो ये बनेगा 2×2 का मैट्रिक्स बनेगा, इसको हम माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो ये अब देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये भी हमको करना है तो लिख देते हैं 3-1, 3-1, 0, 2 2-3, 1, 0, 3, 1। ठीक, तो कैसे करते हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होगा, 3×2 कितना होगा, 6 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, इसी तरह से अब बीच बीच में प्लस देते रहते हैं, प्लस -1×1 कितना हुआ, -1, फिर प्लस 3×3 कितना हुआ, 9 लिख दिए। और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम खत्म है। अब आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब आ गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कितना होगा, 3×-3 कितना होगा, -9। ठीक, -1×0 कितना होगा, प्लस 0। अब आइए प्लस होगा, अब आइए 3×1 कितना होगा, 3। ठीक है, इसी तरह से अब जो है फर्स्ट रो सेकेंड
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी काम खत्म है। अब आइए सेकंड रो पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना होगा ये माइनस एक गुने दो माइनस दो, ठीक, प्लस जीरो गुने एक कितना होगा जीरो, इसी तरह से दो गुने तीन कितना होगा छ। अब आइए सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस एक गुना माइनस तीन, तीन हो जाएगा, जीरो गुना जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस दो गुना एक दो हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको आइए सिंपलीफाई करते हैं तो क्या होगा, नौ छ पंद्रह, अब पंद्रह में से एक घटा देंगे तो कितना होगा चौदह, ठीक। इसी तरह माइनस नौ और प्लस तीन कितना होगा माइनस छ, माइनस दो प्लस चार कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, तीन और दो कितना होगा पाँच। तो हमारा ये ए भी निकल गया। देखिए कितने ऑर्डर का निकालना था, दो गुने दो ऑर्डर का निकालना था ना, तो देखिए यहाँ पे दो गुने दो ऑर्डर का निकल गया। तो इस तरह से जो है किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले वाले का मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझते होइएगा। बोलो समझा ठीक से, समझ रहे हैं ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, दो तीन चार, दो तीन चार, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, चार पाँच छ, चार पाँच छ, ठीक। बी एक और मैट्रिक्स है, एक जीरो तीन, एक जीरो तीन, माइनस तीन दो जीरो, माइनस तीन दो जीरो, पाँच चार पाँच, पाँच चार पाँच, ठीक। अब इसको जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू बी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसमें देखिए जितना इसका कॉलम की संख्या है उतना ही इसमें रो की संख्या है ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा तीन गुने तीन, इसका ऑर्डर तीन गुने तीन, तो जितना इधर कॉलम की संख्या है उतना ही इधर रो की संख्या है, तो यानी इसका ए इंटू बी निकलेगा। तो आइए ए इंटू बी करते हैं बाय रो ऑपरेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दो गुने एक कितना होगा दो, ठीक, तीन गुने जीरो कितना होगा जीरो, इसी प्रकार चार गुने तीन कितना हो जाएगा बारह, ठीक है। अब आइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म है, अब आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दो गुने माइनस तीन माइनस छ, तीन गुने दो प्लस छ, ठीक, चार गुने जीरो यानी जीरो हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको हमने रो में लिखा क्यों, क्योंकि हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो से
सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम में गुना कर रहे हैं, तो इसीलिए रो में लिखेंगे। अब आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, दो पंचे दस, ठीक, तीन चौका बारह, तीन चौका बारह, चार पंचा बीस, बीस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए फर्स्ट रो का काम खत्म है, आप सेकेंड रो पर आइए, ठीक उसी तरह से करना है। अब आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तीन गुना एक कितना हो जाएगा, तीन प्लस चार गुना जीरो कितना होगा, जीरो प्लस पाँच गुना तीन कितना हो जाएगा, पंद्रह, ठीक। अब आइए आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा, माइनस तीन गुना माइनस तीन कितना हो जाएगा, माइनस नौ, चार गुना दो प्लस आठ और पाँच गुना जीरो जीरो, इसी तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो पाँच या पंद्रह हो जाएगा प्लस चार चौका सोलह और प्लस पचास पच्चीस, ठीक। अब आइए अब सेकेंड रो का भी काम खत्म है, अब आइए थर्ड रो पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, चार प्लस पाँच गुना जीरो जीरो प्लस छ त्री अठारह, अठारह हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से थर्ड रो सेकेंड कॉलम अब आइए कितना हो जाएगा, चार गुना माइनस तीन माइनस बारह, पाँच गुना दो प्लस दस, छ गुना जीरो प्लस जीरो, इसी प्रकार थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, चार गुना पाँच बीस प्लस पाँच गुना चार कितना हो जाएगा, बीस प्लस छ गुना पाँच तीस, ठीक है। अब आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, दो प्लस जीरो प्लस बारह कितना हो जाएगा, चौदह, ठीक, माइनस छ प्लस छ जीरो, दस बारह, दस प्लस बारह प्लस बीस कितना होगा, बयालीस, ठीक। अब आइए इधर, तीन प्लस पंद्रह कितना हो जाएगा, अठारह, माइनस नौ प्लस आठ कितना होगा, माइनस एक, ठीक। इसी प्रकार पंद्रह प्लस सोलह और प्लस पच्चीस, यानी पंद्रह सोलह इकतीस, इकतीस अब बीस इक्यावन, इक्यावन पाँच छप्पन, छप्पन हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद, चार प्लस जीरो प्लस अठारह कितना होगा, बाईस। इसी प्रकार माइनस बारह प्लस दस माइनस दो, बीस जोड़ बीस प्लस तीस सत्तर, ठीक। तो इस तरह से हमारा a इंटू बी फाइंड हो गया, आंसर में यही होता है, ठीक है। इसको समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज
3.2 के 17वां सवाल क्या है, देखिए कि 17वां सवाल है, ठीक। ए बराबर है 3 - 2 - 4 - 2, 3 - 2 - 4 - 2, ठीक। और आई बराबर तो जानते ही हैं, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, जो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल का एलिमेंट जो है 1 होता है और बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तो 1 0 0 1, ठीक है ना, डायगोनल है ना, डायगोनल उसका एलिमेंट 1 1 होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो दिया है कि फाइंड के सो डैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई। तो इस पर जो है ए स्क्वायर, पहले हम इसको इस पर बैठा देंगे सारे को, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस टू आई, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर करने का मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो ए इंटू ए पर हम इसको रखेंगे, यानी ए इंटू ए, ए कितना है, इतना है ना, 3 - 2 - 4 - 2 है, और फिर ए, यानी 3 - 2 - 4 - 2 हो जाएगा। अब बराबर है के ये कितना है, 3 - 2 - 4 - 2, ठीक, माइनस टू आई करना है ना, आई का मतलब क्या हो गया, यही आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक। ठीक है, देखिए इसको हमको निकालना क्या है, निकालना है इसमें के का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते थे मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो देखिए 3 × 3 कितना होगा, 9, प्लस 2 × 4 = 8, 9 - 8, माइनस का चिन्ह है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और प्लस -2 × 4 - 8, यानी 9 - 8 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, 3 × -2 कितना होगा, -6 होगा, 3 × -2 - 6, अब प्लस का चिन्ह बीच में लगता है, अब -2 × -2 यानी +4, तो -2 हो जाएगा, ठीक। -6 + 4 - 2, इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12, अब प्लस -2 × 4 यानी -8, यानी 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक। चार हो जाएगा, इसी प्रकार सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना होगा, 4 × -2 - 8, अब प्लस -2 × -2 यानी +4, तो -8 + 4 यानी -4, ठीक है। अब आइए, यानी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया,
अब देखिए हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा चुके थे कि किसी भी संख्या से चाहे वेरिएबल से गुना करते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में गुना होते हैं। तो यहाँ पर के से इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन है, तो के का मल्टीप्लीकेशन इस सारे एलिमेंट में होगा, सब में क्या हो जाएगा, 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K, ठीक, माइनस, ठीक, इसी तरह ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 0 = 0 2 हो जाएगा, ठीक। अब आइए क्या हो जाएगा, 1 − 2 = 4 − 4, ठीक, बराबर 3K माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3K माइनस 2 हो जाएगा, घटाओ है बीच में तो घटाओ, माइनस 2K अब माइनस 0 कितना हो जाएगा, माइनस 2K ही रह जाएगा, ठीक। इसी तरह 4K प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 4K ही रह जाएगा। इसी तरह माइनस 2K माइनस 2 तो माइनस 2K माइनस 2, ठीक। अब आइए देखिए इसमें K का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए K का वैल्यू आसान तरीके से फाइंड हो जाएगा, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना है और जो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहे, ठीक है ना। देखिए इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर क्या है ना, तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है बराबर होते हैं, ठीक। तो एक बराबर 3K − 2 लिख सकते हैं, एक बराबर 3K − 2, ठीक है। इसी प्रकार अब इस जो है माइनस 2 को बराबर के इस पर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3K, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, वन आ गया। इसी प्रकार देखिए माइनस 2K इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो माइनस 2K इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो K इक्वल टू क्या होगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सारे में मान रखिएगा तो K का वैल्यू जो है 1 ही आएगा। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है और अच्छे आशा करता है कि अच्छे से समझोगेगा आप लोग। अब एक और सवाल बता देते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of A में दिया हुआ है 1800 और B में दिया हुआ है 2000। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है, ठीक है, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है और वह एक
वह दो तरह के अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। उस 30,000 रुपया को दो तरह के अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट है और दूसरे बॉन्ड पर 7% इंटरेस्ट है। तो कहना चाहता है क्वेश्चन ये कि वो जो है वो व्यक्ति वो ट्रस्ट फंड कितना कितना दोनों को कितना कितना रुपया दिया कि दोनों पर एक साल का टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपया आया और दूसरा है टोटल इंटरेस्ट 2,000 रुपया आया, ठीक है। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है, क्वेश्चन है नंबर है 19, ठीक। टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ₹30,000 है। तो मान के चलिए कि पहले वाले को 100 रुपया दिया, लेट लिखेंगे लेट फर्स्ट प्रथम वाले को 100 रुपया दिया, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड लिख दीजिए, ठीक है ना, 100 रुपया, ठीक। और सेकेंड मान के चले प्रथम वाले को 100 रुपया दे दिया तो सेकेंड वाले को कितना देगा, सेकेंड वाले को इसी में से ना घट करके जो 30,000 में से टोटल अमाउंट में से 100 रुपया को निकाल देंगे तो जितना बचेगा वही ना दे पाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 30,000 - x, ठीक है। रुपया पहले लिखाता है, ठीक, इतना रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें इंटरेस्ट कितना कितना है, एक है 5%, एक है 7%। तो इसको अब हमको किस तरह से निकालना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के सहारे जो है निकालना है, मैट्रिक्स का यूज करके इसको हम निकालते हैं। देखिए तो पहले वाले को एक्स रुपया हो गया, इधर रुपया लिखेंगे 30,000 - x, ठीक, इनटू 5%, 5/100, 7%, 7/100, ठीक, इक्वल टू कितना है टोटल इंटरेस्ट 1,800, ठीक है ना। तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा, अब इसको जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह से पहले मैट्रिक्स को करते थे, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते थे, उसी तरह से इसको करेंगे। देखिए इसमें कॉलम की संख्या कितना है, एक दो दो है, इसमें रो की संख्या एक दो, ठीक है। तो यानी पहले वाले का कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 5x/100, ठीक है, प्लस 7/100 इंटू 30,000 - x हो जाएगा इक्वल टू में 1,800, ठीक। इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 - 7x/100, ठीक है। देखिए 7/100 से इसमें गुना करिए किए हैं तो इतना आ गया, माइनस
फिर जो है 7/100 से x में गुना करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बराबर में कितना होगा 1800। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो x वाला को एक साथ लिखिए, क्या हो जाएगा 5x/100 माइनस 7x/100 बराबर हो जाएगा 1800 माइनस 7 3 21, यानी 21 हो जाएगा। बराबर के इस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2100। ठीक, अब इसको जो है सिंपलीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 100 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस 300। ठीक, तो इसको अब सिंपलीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब 2 15 30 होता है, 2 × 15 = 30, यानी 150 हो जाएगा। इसको जो है x = 150 × 100 कितना हो जाएगा बराबर 1500, यानी 15000। ठीक, तो पहले वाले को कितना दिया, पहला बॉन्ड पहले वाले को 15000, तो दूसरे वाले को कितना देगा, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया, x का वैल्यू 15000। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले को दिया, यानी 5% पर देने वाले का बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड हो जाएगा। अब सेकेंड हो जाएगा 30000 माइनस 15000, ये भी है, ये भी जो आएगा 15000 आएगा, ठीक है ना, 15000 रुपया। ठीक, तो कहने का मतलब दोनों को जो है 15000 रुपया दिया, तब जाके जो है एक साल में एक बॉन्ड 5% से, दूसरे का बॉन्ड जो है 7% से 1800 रुपया होता है। तो इस तरह से सवाल बनाइएगा, और जो नहीं बने, ना समझ में आए, उसको कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।